सब्सक्राइब माय चैनल फार्मा टैंक टू इंक्रीज योर मेडिसिनल नॉलेज। मेडिसिन के बारे में हिंदी में जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट के बारे में, जिसका नाम है ओब्रेलल टेबलेट। ओब्रेलल टेबलेट को दिया जाता है अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, बेबी प्लानिंग के बीच में गैप रखने के लिए। और किस किस प्रॉब्लम में ओब्रेलल टेबलेट को दिया जाता है, इसका डोसेस क्या है और क्या क्या इसका साइड इफेक्ट है, यही सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के इस पूरे वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करता हूँ एक छोटा इंट्रो के बाद। ओब्रेलल टेबलेट फाइजर कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके एक स्ट्रिप में 21 टेबलेट आते हैं। ओब्रेलल टेबलेट की एमआरपी की बात करें तो अराउंड 70 रुपीज़ में आपको यह टेबलेट किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। यह एक हार्मोनल टेबलेट है। इस टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। ओब्रेलल टेबलेट की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो मॉलिक्यूल रहते हैं, लेवनोरगेस्ट्रेल 0.15 mg और इथेनाइल एस्ट्राडायोल जो रहता है 0.03 mg। अभी हम जानेंगे यह टेबलेट कैसे काम करते हैं। यह टेबलेट ओवुलेशन प्रोसेस को रोकती है, मतलब स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देते। सर्विकल म्यूकस को थिक यानी गाढ़ा करते हैं, जिसके कारण स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाते। यह टेबलेट बच्चादानी के मुंह भाग में कुछ हार्मोनल चेंजेस लाते हैं, जिसके वजह से भी ओवुलेशन नहीं हो पाते। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ओब्रेलल टेबलेट के यूजेस के बारे में, मतलब किस किस परिस्थितियों में इस टेबलेट को दिया जाता है। अगर किसी महिला की पीरियड इरेगुलर है और पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, तो उस पीरियड को रेगुलर करने के लिए यह टेबलेट दिया जाता है। यह एक गर्भ निरोधक टेबलेट है। इसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए दिया जाता है। प्रेगनेंसी प्लानिंग में गैप रखने के लिए भी यह टेबलेट दिया जाता है। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस टेबलेट की डोसेस के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे अगले वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियोस को देख पाए। ओब्रेलल टेबलेट लेने का सबसे बेस्ट तरीका है जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होते हैं उसी दिन से इस टेबलेट को लेना। रात को खाना खाने के बाद ये टेबलेट लेना सबसे बेहतर है। इस टेबलेट को हमेशा एक ही टाइम में लेने के लिए प्रयास कीजिएगा। पूरे 21 दिन रोज़ एक एक टेबलेट लीजिएगा। ऐसे ही 21 दिन टेबलेट लेने के बाद आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक हफ्ता इस टेबलेट को गैप दीजिएगा। उसके बाद 28 डेज से फिर से ये टेबलेट आप शुरू कर सकते हो, मतलब नया पैकेट या नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी कारण आपकी एक डोज मिस हो जाए तो तुरंत उस डोज को कम्प्लीट कीजिएगा। अगर नेक्स्ट डोज के टाइम में आपको याद आए तो स्किप डोज को कम्प्लीट करने के लिए एक साथ में दो टेबलेट ना ले, इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर एक डोज मिस होने के 12 घंटे बाद आपको याद आए तो आप इस टेबलेट को ले सकते हो, लेकिन उसके नेक्स्ट दो दिन आपको सेक्स करने के टाइम कंडोम यूज करना पड़ेगा, ताकि कोई रिस्क ना हो। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। ओब्रेलल टेबलेट लेने के बाद कुछ महिलाओं को नौजिया होते हैं, कुछ महिलाओं को उल्टी होते हैं, कुछ महिलाओं को सर दर्द, पेट में दर्द, ब्रेस्ट पेन और हाई बीपी होते हैं। इस टेबलेट की एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है वेट गेन, मतलब बहुत सारे महिलाओं में इस टेबलेट लेने के बाद मोटापन देखा गया है। इस टेबलेट की और एक साइड इफेक्ट है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग मतलब पीरियड के बीच में ब्लड थोड़ी गाढ़ा होते हैं और कभी कभी पीरियड स्टॉप भी हो जाते हैं। अगर इस टेबलेट लेने के बाद आपके पैर में सूजन और दर्द होते हैं, चेस्ट पेन होते हैं और सांस लेने में दिक्कत आए तो इस टेबलेट को तुरंत स्टॉप कर दे, क्योंकि यह ब्लड क्लॉट की संकेत है। ऐसे स्थिति में आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। अगर कोई महिला स्मोकिंग करते हैं तो वो ये टेबलेट ना ले। 35 ईयर्स के ज़्यादा उम्र के महिलाएं ये टेबलेट ना ले और प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इस टेबलेट को ना ले। शुरुआत में इस टेबलेट लेने के बाद महिलाएं कुछ प्रॉब्लम ज़रूर फेस करती है, बट 2 से 3 दिन इस मेडिसिन लेने के बाद बॉडी से एडजस्ट कर लेती है। इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरा मेहनत किसी के काम आए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। ओब्रेलल टेबलेट का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी हेल्दी। बाय।